दंतेवाड़ा के बैला डीला में अडानी को खदान दिए जाने को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया। सोमवार को राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से इस मामले में बस्तर सांसद दीपक बैज, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के साथ महा आंदोलन में शामिल आदिवासियों का प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलने पहुंचा। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बातचीत के बाद बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल नंदराज पर्वत और उसके आसपास होने वाली पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने 2014 में फर्जी ग्राम सभा कराने के मामले की भी जांच कराने की बात कही। वहीं प्रतिनिधि मंडल की एक और मांग पर सीएम ने कहा कि क्षेत्र में संचालित कार्यों पर भी तत्काल रोक लगाई जाए। सीएम ने कहा कि इस परियोजना पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर जनभावनाओं से अवगत कराएगी। सीएम के इस फैसले के बाद अब आदिवासियों के महाआंदोलन पर खत्म होने की नजर है। पिछले 5 दिनों से जारी महाआंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। सीएम से मिलने के बाद सांसद दीपक बैज ने फोन कर आंदोलन को खत्म करने की बात की, लेकिन धरना दे रहे लोग लिखित आश्वासन चाहते हैं। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सीएम बघेल इस मामले में बड़ा फैसला भी ले सकते हैं।